ओ गाइस भाई जिम्मी मतलब भाई इतना ज्यादा मतलब ये कार देख के बौखला गया भाई। कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वो भाई, कब बाहर ही चला जाएगा क्या गेट के। तो हेलो गाइस, की हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज फिर से खेलने आ रहे हैं GTA 5। और भाई आप लोगों को पता ही होगा लास्ट एपिसोड में गाइस, जिस किसी ने भी देखा होगा कि भाई माइकल एक कार चोरी करके लाया था जो कि थी भाई गोल्ड की लैम्बोर्गिनी। और गाइस वो जो कार हमने चोरी की थी वो थी भाई लॉस सैंटोस के सबसे बड़े ड्रग डीलर माफिया की मतलब। तो गाइस वो कार हमने फाइनली भाई चोरी तो कर ली थी लास्ट वीडियो में, पर भाई वो जो कार चोरी करने का मेन रीज़न ये था कि गाइस अभी भाई जिम्मी का मतलब आज बर्थडे है और वो कार हम भाई जिम्मी को गिफ्ट करने वाले हैं। तो अभी तो भाई मतलब वो जो कार हम लास्ट टाइम में लेके आए थे तो उस टाइम पे भाई वो कार बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गई थी और बहुत ही मतलब बुरी तरीके से डैमेज हो रखी है गाइस। तो वो वाली कार हम मतलब आज जाने वाले हैं सिंपली, उसको पहले तो हम बैनी के पास लेके जाएंगे और उस कार को मतलब वहाँ पर रिपेयर वगैरह कराएंगे। एंड उसके बाद भाई शाम को है भाई जिमी की बर्थडे की पार्टी, तो हम ओ भाई क्या बोल रहा है, अबे होम में ही तो खड़ा है चूतिए। तो हाँ गाइस, तो मतलब जिमी की शाम को बर्थडे पार्टी है, तो हम अभी मतलब सबसे पहले तो जाने वाले उस कार को रिपेयर वगैरह कराएंगे, क्योंकि भाई जिमी को कोई मतलब इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि भाई माइकल ने उसके लिए क्या प्लान कर रखा है क्या नहीं। और आई थिंक से भाई जिमी अपने रूम में ही होगा और भाई दिन भर की तरह भाई रोज अपने मतलब वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहा होगा। ओ भाई यहाँ पे ये कुछ कर रहा है मतलब कुछ, ओ भाई एक्सरसाइज कर रहा है भाई कब से, मतलब भाई ये पिज्जा बर्गर खा खा के इतना मोटा हो गया है कि भाई इसको अब एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ रही है। तो कोई नहीं गाइस, अभी भाई फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कपड़े थोड़े अच्छे से पहन लिए थे, क्योंकि ये वाले जो सूट है वो ऐसा मतलब हम तो क्या बोलते हैं ऐसा घूमने जा रहे हैं ऐसा, तो ऐसे कुछ मतलब सूट वूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बढ़िया सा कुछ पहनते हैं। हाँ ये ठीक है, जीन्स का जो जीन्स की शर्ट और पैंट काफ़ी सही है मतलब। और अभी अब चलते हैं सबसे पहले तो बैनी के पास में और उस मतलब जो वो कार है उसको रिपेयर कराएंगे और थोड़ा सा मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करा देंगे, जिससे कि भाई वो कार मतलब जो ड्रग माफिया है वो पहचान ना पाए। बिकॉज भाई अगर उसने मतलब वो कार अपनी पहचान गया तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो ओके गाइस, अभी मैं आप लोगों को वो कार दिखाता हूँ जो कार भाई हम लास्ट टाइम चोरी करके लाए थे, वो कार मैंने अपने गैराज में खड़ी कर रखी है। और भाई ये रही भाई लैम्बोर्गिनी, जो कि भाई मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो रखी है और इसको भाई हम अभी चला के लेके नहीं जाने वाले। हालांकि ये चल लिया पर हम इसको अभी चला के नहीं ले जाएंगे, बिकॉज भाई अगर हम इसको चला के ले जाएंगे तो भाई किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और भाई ये मेरी कार का शीशा किसने तोड़ दिया मेरे को नहीं पता। तो गाइस अभी भाई सिंपल जो क्या बोलते हैं हम अभी जाने वाले हैं थोड़ा सा एक ट्रक ढूंढने के लिए, बिकॉज भाई हम इस कार को ट्रक में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लेके गए भाई तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर भाई किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से हम इस कार को सीधा ट्रक में लेके जाएंगे। तो अभी फटाफट से भाई इधर उधर हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कोई ट्रक ऐसा जिसके अंदर मतलब हम ये कार लेके जा सके, बिकॉज भाई क्योंकि क्या बोलते हैं आप लोगों को तो पता ही है यार मतलब ड्रग माफिया की भाई कार है, मतलब छोटे मोटे बंदे की कार होती तो समझ में भी आता भाई इतने बड़े उसके मतलब गैंगस्टर की कार है। तो गाइस ये वाला ये ट्रक दिख रहा है हम इसको ले सकते हैं, पर इसके पीछे अच्छा ये वैसे डोर वाला है, हमको ऐसा चाहिए जिसके पीछे ऐसा रैंप हो, क्योंकि कार को हम उसके ऊपर चढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि अगर उसमें रैंप ही नहीं होगी तो। तो अभी फटाफट से देखते हैं यार कोई ट्रक वरक खड़ा हो आसपास में। तो ओके गाइस ये एक ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अभी देखते हैं भाई ये इन लोग इन बंदों का तो नहीं है। पहले हम यहाँ पर उतर के देखेंगे कि इसके पीछे जो पीछे का जो क्या बोलते हैं गेट है ये रैम की तरह। ओके गाइस, तो इसका जो गेट है भाई वो रैम की तरह ही खुलता है। तो अभी फटाफट जिसपे बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा घर पे, क्योंकि और घर पे चलने के बाद सबसे पहले अपनी कार को इसके अंदर लोड करेंगे एंड उसके बाद चलते हैं सीधा बैनी मोटर वर्कशॉप पे, बैनी के पास में। यार मैं पूरा नाम भाई क्यों बोल देता हूँ, वर्कशॉप सबको पता है यार बैनी मतलब कार रिपेयर वगैरह करता है, पर वो अलग बात है कि उससे हमारे बहुत अच्छे क्या बोलते हैं दोस्ती है और मतलब दोस्ती वाली बात है तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। और वो मतलब वो किसी को बताएगा भी नहीं सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम अगर लॉस सैंटोस के कस्टम्स में जाते हैं ना भाई तो मतलब वहाँ से ड्रग माफिया इजीली पता निकाल लेगा कि भाई जो कार है वो किसने चोरी की है। और क्योंकि भाई वो लैम्बोर्गिनी जो गोल्ड की है ये बहुत ही मतलब जो गोल्ड की कार है ना वो बहुत कम ही लोगों पर होती है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदे होते हैं ना उन लोगों के पास होती है वो वाली कार। तो इसी वजह से मतलब हम लॉस सैंटोस के कस्टम पे नहीं जा रहे उस कार को रिपेयर कराने। तो गाइस अभी फटाफट से इसका पहले तो हम पीछे का ट्रंक खोलते हैं मतलब, और मतलब पीछे का जो दरवाज़ा है वो खोलेंगे और उसके बाद हम कार को लोड करेंगे इसके अंदर एंड फिर लेके चलने वाले हैं हम सीधा इसको क्या बोलते हैं बैनी के पास में।
तो ओके गाइस, अभी भाई मैंने इस कार को इसके अंदर लोड कर लिया है, और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, कार पूरी अंदर आ चुकी है। और अभी फटाफट से इसके जो के पीछे का गेट है ये बंद करते हैं, और इसको लेके चलते सीधा बैनी मोटर वर्कशॉप पे, और वहाँ चल के भाई इसको फुल रिपेयर करा देंगे और थोड़े बहुत कस्टमाइज भी करा देंगे वहाँ पे जाके। गाइस अभी मैंने इसका गेट वेट सब बंद कर दिया है, और अभी लेके चलते हैं इसको सीधा बैनी के पास में। और भाई बैनी की शॉप कहाँ पे है मेरे को नहीं पता है, वो उसकी शॉप आई थिंक से ये यहाँ पे है शायद। गाइस मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है कि भाई यहीं पे है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से भाई गया नहीं हूँ, और मेरे को भाई लॉस मतलब जो क्या बोलते हैं ये सिटीज़ की जो रास्ते हैं भाई वो मतलब अभी तक ठीक से याद नहीं हुए है। तो क्योंकि भाई ये सिटी काफ़ी बड़ी है यार, आप लोगों को तो पता ही होगा भाई कितना बड़ा है लॉस एंटो। और भाई अंदर पूरी कार मतलब ऐसा हिल डुल रही है, आई थिंक से मैंने भाई हैंड ब्रेक लगाना भूल गया हूँ मैं इस वजह से। तो कोई नहीं यार, अभी किसी को क्या पता लग रहा है भाई कि इसके अंदर हम क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं उसके पास में। और हाँ गाइस, एक चीज़ आप लोगों से और पूछनी थी कि भाई आप लोगों को अगर इस टाइप की गेम प्ले वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेके आऊँगा, और बहुत ही तड़कता भड़कता और दमदार एपिसोड होगा भाई। क्योंकि मेरा जो पूछने का मेन रीज़न ये है क्योंकि यार मतलब आप लोगों को तो पता ही है मेरे चैनल पर किस टाइप की वीडियोस आती है, कि मेरे चैनल पर मतलब ज़्यादातर मैं इंडियंस कार के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। पर गाइस उसमें आई थिंक से मतलब अब वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमने कर चुके हैं, और रिपीटिशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया ट्राई किया जाए, एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट इस वीडियो पर अच्छा आएगा तो भाई मैं होप तो ऐसी अगली मतलब नेक्स्ट वीडियो है जो उसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, मतलब टॉपिक नहीं मतलब इसी टाइप की बनाने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार अगर मेरे को कमेंट में बता दोगे तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। एंड भाई फिर से एंड बोल दिया मैंने, कोई नहीं। तो मतलब गाइस आप लोग जो क्या बोलते हैं, आप लोग ही हो ना देखने के लिए वीडियो, आप ही लोग को देखना है यार, मेरे को क्या है भाई मैं तो बना ही दूंगा वीडियो, देखने में आप लोगों को अगर मज़ा ना आए तो भाई वो वीडियो किस काम की। तो इसी वजह से गाइस जो अपना ओपिनियन है भाई वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, वहाँ पे कमेंट करने का कोई चार्ज नहीं आता भाई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, वो भी मतलब फ्री है यार, मतलब भाई सब्सक्राइब का बटन दबाने में कोई पैसा नहीं जाता है, ये बात सब लोगों को पता ही होगी। तो इसीलिए और लाइक का बटन भी दबाने पर कुछ भी पैसे नहीं जाते हैं भाई, एकदम फ्री है यार। तो मतलब वो कर दिया करो गाइस, आप लोग को पता है मतलब आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब भाई हम लोग को मतलब हम सब यूट्यूबर्स को मतलब कितना मोटिवेट करता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी वजह से गाइस कर दिया करो भाई, कंजूसी मत दिखाया करो। तो वो आई थिंक से बैनी की वर्क नहीं, बैनी की शॉप यहाँ पे है या आगे है यार, मेरे को कन्फर्म नहीं है। उसकी शॉप आई थिंक से यहीं कहीं पर थी। ओ भाई अंदर तो भाई पूरा भसड़ मच गई है, कार मतलब पूरी भाई हिलडुल ली है इधर उधर, क्योंकि यार मैं उसका हैंड ब्रेक शायद लगाना भूल गया हूँ। तो भाई यहीं पे तो थी, मतलब ऐसी कोई जगह है जो तो दिखती इस टाइप की है, वहीं पे बैनी की वर्कशॉप है। ओ भाई अंदर तो भाई कांड ही हो रहा है, क्या ही बताओ मैं, पूरी कार है एकदम हिलडुल ली है इधर उधर, क्योंकि यार मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाया, और मैं कितनी बार ही बताऊँ भाई हैंड ब्रेक नहीं लगाया है। तो अभी फटाफट से चलते हैं यार बैनी के पास में, और बाकी यार अभी ये कार हमें देने के बाद में हम जाने वाले हैं। ओ भाई ये कार देखिए भाई बंदे के पास, क्या सही कार थी ना भाई, अभी अगर ये कार मेरे पास नहीं होती ना मतलब ये काम नहीं होता, मैं वो पक्का वही चुरा लेता वो कार उसे। पर अभी कोई नहीं, अभी ये तो भाई हम किसी और ही घर पे आ गए यार, ये तो क्या बोलते हैं जो उसका घर है क्या नाम है अपना फ्रैंकलिन का पुराना वाला घर, वहाँ आ गए आई थिंक से। तो यार गाइस मैं आई थिंक से भाई बैनी की जो बैनी का जो गैराज है भाई वो भूल चुका हूँ कि किस जगह पे है। तो अब यार अभी मेरे को थोड़ा भटकना पड़ेगा आई थिंक से, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो ओके गाइस अभी बहुत टाइम भाई इधर उधर ढूंढने के बाद भाई मैं भी पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा था, और बहुत देर बाद जाके मेरे को फाइनली याद आता है कि भाई बैनी का जो वर्कशॉप है वो यहाँ पे है, मतलब बैनी का जो गैराज है वो यहाँ पे है। और हम इस जगह से भाई पहले भी निकल चुके थे, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को ठीक से याद नहीं था कि बैनी की जो शॉप है वो यहीं पे है। तो गाइस ये रही बैनी की शॉप, और अभी फटाफट से इस ट्रक को लगाते हैं इधर साइड में, और गार को करते हैं अनलोड इसमें से। ओ भाई अंदर तो एकदम भूकंप सा मच रखा है। तो अभी फटाफट से इसका जो पीछे का गेट है वो ओपन करते हैं, और फटाफट से कार निकालते हैं और लेके चलते सीधा बैनी के पास में। तो ओके गाइस अभी भाई हमने कार निकाल लिया बाहर, और अभी सीधा इसको लेके चलते हैं बैनी की शॉप के अंदर, और इसको भाई रिपेयर कराते हैं। हालांकि भाई कार अभी चल तो मस्त रही है, पर
जो इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ही खस्ता हो गई है भाई। तो अभी फटाफट से इसको सही कराते हैं इसके पास में ले जाके। और भाई ये रहा अपना बैनी, तो पहले तो इसको कराते हैं रिपेयर एंड फिर इसके बाद इसको कराते हैं भाई अपग्रेड। इंजन इसका फुल मैक्स लेवल पे अपग्रेड करा देंगे ताकि भाई जिमी जो है वो एकदम इसको देख के भाई क्या बोलते हैं, और इसकी नंबर प्लेट भी भाई चेंज कर देते हैं। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि व्हीलमैन तो नई हेडलाइट वगैरह इसकी। ओके गाइस, तो अभी भाई फुल हमारी कार जो है वो मैक्स एकदम पूरी तरीके से एकदम रेडी हो चुकी है, और भाई क्या ही खतरनाक लग रही है भाई ये कार। और बाकी जितने भी इसमें क्या बोलते हैं जीपीएस जो भी मतलब थे ना, नंबर प्लेट वगैरह हमने सब कुछ चेंज करा दिए, तो अभी इतनी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं खास। तो अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं पहले घर पे, और फिर उसके बाद में चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे भाई हमने क्या बोलते हैं जिम्मी के बर्थडे पार्टी का प्लान कर रखा है। और भाई ये कार मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसा ले जा के ना सीधा वहाँ पे कवर कर देंगे, और उसको मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट देना है ना गाइस। तो हम मतलब ये कार हमें कहीं और ही रखनी पड़ेगी यार, मैं मतलब क्योंकि अगर घर पे अगर इसको छोड़ूंगा भाई तो घर पे गैराज में रखूँगा तो भाई जिम्मी देख लेगा इसको। तो अभी फटाफट हम सबसे पहले कुछ ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस कार को वहाँ पर रख सके। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस कार को ना हम फ्रैंकलिन को देते हैं, और फ्रैंकलिन को भाई मैं टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दूंगा कि तू भाई इतने बजे वहाँ पे इस जगह पे पहुँच जाइयो कार लेके, क्योंकि अभी हम लेके जाएंगे तो भाई जिम्मी देख लेगा और फिर जो हमारा सरप्राइज़ प्लान है वो बिल्कुल पूरी तरीके से भाई फेल हो जाएगा। तो अभी फटाफट से पहले तो मैं भाई कॉल करके फ्रैंकलिन को बुला लेता हूँ, पता नहीं भाई वो कहाँ होगा। तो ओके गाइज, अभी भाई मेरी फ्रैंकलिन से बात भी हो गई है, और अभी हम चलते उसको मैंने एक जगह पे बुलाया हुआ है तो वो उस जगह पे हमें मिलेगा, और फटाफट से चलते हैं और कार भाई उसको दे देंगे। हाँ तो गाइज यही वो जगह है, मतलब मैंने अपने घर के पास ही उसको बुलाया क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ी देर पैदल चला जाऊँगा। और अभी भाई वेट करते हैं उसका फ्रैंकलिन का आने का, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन ही इस कार को लेके जाने वाला है यहाँ पे। तो ओके गाइस, अभी भाई मैंने फ्रैंकलिन से सारी बात कर ली है और उसको पूरी तरीके से भाई प्लान मैंने समझा दिया कि क्या कैसा सीन है। तो भाई अभी फ्रैंकलिन से मैंने बोल दिया कि भाई तू ये कार लेके जा और शाम को मतलब पार्टी में सीधा आना, क्योंकि भाई यहीं पे मतलब फ्रैंकलिन जब वो कार लेके आएगा, क्योंकि हम लेके जाएंगे तो भाई जिम्मी को पता लग जाएगा, इस वजह से भाई मैंने ये काम फ्रैंकलिन को दिया। अभी फ़िलहाल के लिए फ्रैंकलिन ये कार लेके जाने वाला है, तो अभी गाइस इससे बोलते हैं कि भाई ये निकलेगा यहाँ से और हम भाई अपने चलते सीधा घर पर, और बाकी का जो काम है भाई वो करते हैं, वो निपटाते हैं फटाफट से। तो ओके गाइस, अभी भाई हम लोगों ने हाय वाय मतलब बाय बाय सब कर लिया, और भाई फ्रैंकली अभी जा रहा है यहाँ से, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ओ भाई हॉर्न भी बजा के जा रहा है, अबे भाई जल्दी चला जा मतलब जिम्मी ऐसा देख ना ले। ओ भाई ये कौन है भाई, ये तो उसकी वाइफ है आई थिंक, पर नहीं और भी कोई हो सकता है भाई, किसी को भी कुछ भी मत बोलो। तो अभी यार मैं क्या ऐसा दौड़ के जाऊँगा क्या भाई, फ्रैंकलिन यार घर तक ही छोड़ देता भाई। अबे फ्रैंकलिन कहाँ गया, जब वो रुका हुआ है वहाँ पे, तो चला जाएगा गाइज वो अपनी क्या बोलते हैं कार लेके, और शाम को मतलब वो सीधा पार्टी में हमारे को ज्वाइन कर लेगा, और वहीं पे भाई हम जिमी को उसका गिफ्ट भी आज देने वाले हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं पहले सबसे पहले तो घर पे, और भाई फ्रैंकलिन की यहाँ पर फालतू में इतनी ज़्यादा दौड़ हो गई है, पर कोई नहीं गाइज थोड़ी दूरी है हमारा घर यहाँ से। तो यार मतलब किसी की कार भी चोरी करना मेरे को सही नहीं लगता है। तो भाई ये पड़ोसी भाई अपने कुत्ते को घुमा के लेके आ रहा है भाई इतनी धूप में, और ये भाई कौन खड़ा है, जिमी भाई बाहर क्या कर रहा है। अबे भाई साहब वो इसने देख तो नहीं लिया कहीं, जिमी है ना ये, ओ भाई इसने कहीं देखा तो नहीं मेरे को। भाई अगर इसने देख लिया होगा तो मतलब पूरा जो प्लान है भाई वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा हमारा। वो एक्सरसाइज करके आ रहा है भाई, साइकिल वाइकिल चला के आ रहा है लौंडा, मतलब आजकल मतलब एक्सरसाइज करने लगा है, वरना भाई अपने पूरे दिन अपने गेमिंग रूम में पड़ा रहता है वहीं पे, और भाई खाता रहता है पिज्ज़ा वीज़ा और खा खा के भाई कितना मोटा हो गया है ये। तो गाइस अभी फटाफट से रात का वेट करते हैं और बाकी का जो काम है वो निपटा लेता हूँ, फिर गाइस मैं मिलता हूँ आपको सीधा मतलब जहाँ पे हमने जिमी की पार्टी रखी हुई है वहाँ पे। तो ओके गाइस, अभी भाई हो चुकी है रात, और भाई यहाँ पे जिमी और अमांडा एंड ट्रेसी ये सब लोग मतलब रेडी है भाई एकदम उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो अभी फटाफट बैठते हैं कार में और चलते हैं भाई उस लोकेशन पे जहाँ पे भाई ये क्या बोलते हैं जिमी जो है, जिमी की हमने बर्थडे पार्टी रखी हुई है, वो भाई हमने थोड़ा टाउन हॉल है मतलब जो क्या बोलते हैं सिटी है वो उससे बाहर रखी है थोड़ा, मतलब ये जो उसका बर्थडे है भाई थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए।
तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पे जिस जगह पे मतलब क्या बोलते हैं हमने जिम्मी की बर्थडे पार्टी रखी है। और भाई अभी हम उस जगह पे जाने के बाद में कुछ टाइम बाद मतलब मैं जब उसको फ्रैंकलिन को मतलब कॉल करूँगा और बोलूँगा तभी वो क्या बोलते हैं वो लेके आने वाला है, कार लेके आएगा। तो गाइस अभी फटाफट से चलते उस लोकेशन पे जिस जगह पे मतलब हमने जिमी की बर्थडे पार्टी रखी हुई है और मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा गाइस वहाँ पे। तो अभी फटाफट से चलते उस लोकेशन पे। तो ओके गाइस अभी भाई हम लोग बहुत तेज़ी भाई गाड़ी भगाते भगाते सीधा पहुँचने वाले हैं। और भाई यहाँ पे देख रहे हो मतलब फुल भाई फायर क्रैकर वगैरह मतलब सब कुछ छोड़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि भाई जो माइकल है इसने ये सब कुछ अरेंजमेंट करा हुआ है। और भाई यहाँ पे मतलब भाई जिमी की जो बर्थडे पार्टी है वो यहीं पे है। और भाई आई थिंक जो भाई जिमी के फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी कार को लगाते हैं थोड़ा साइड में और फिर चलते हैं देखते हैं यार पार्टी में क्या क्या चल रहा है, क्या कैसा सीन है। तो गाइस आ जाओ सब लोग बाहर। और भाई जिमी क्यों नहीं आ रहा है? ओके तो जिमी भी आ रहा है गाइस। तो अभी फटाफट से चलते हैं यार। और माइकल के भाग के जाने की आदत मतलब कब जाएगी। तो यहाँ पे जिमी वगैरह सब लोग आ रहे हैं। और गाइस ये है वो लोकेशन जहाँ पे भाई हमने इसका क्या बोलते हैं वो रखी हुई थी, ये बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। और भाई इसके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे आए हुए फुल चिल मार रहे हैं सब के सब। और भाई ऊपर आप आसमान में देख ही सकते हो भाई कितने ज़्यादा फायर क्रैकर्स वगैरह फोड़े जा रहे हैं। भाई मेरे तो कानों मतलब कान फट गए मेरे। तो भाई अभी फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि इसको फ्रैंकलिन को कॉल करके बुला ही लेता हूँ इससे पहले कि केक भी कटे, उससे पहले मतलब केक। ओ भाई यहाँ पे फ्रैंकलिन ऑलरेडी आया हुआ है और ट्रेवर भी है। तो भाई अभी फ्रैंकलिन को मैं साइड में लेके बुलाने वाला हूँ और उससे पूछता हूँ कि कार वार कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ओके गाइस अभी भाई मैं फ्रैंकलिन को मैंने बुलाया है इधर साइड में और अभी मैं इसको लेके चलता हूँ इधर बाहर की तरफ और उससे पूछता हूँ भाई कि कार वार एक कहाँ पे लेके आया है। और भाई इसको देखो मतलब भाई कच्चे बनियान में आ गया भाई, पार्टी में आया हुआ है, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आया था पर भाई लग रहा है ये बंदा भाई सुधरेगा नहीं। तो कोई नहीं गाइस अभी मैं ऐसे चलता हूँ उधर साइड में और पूछता हूँ यार कि कार वार कहाँ पे है। और फटाफट से मतलब वो कार वूट देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने जिमी को गिफ्ट कर देंगे। तो ओके गाइस भाई फ्रैंकलिन अभी बता रहा है कि मतलब इधर उसने जो क्या बोलते हैं जो पीछे ये गली है इसमें वो कार खड़ी कर रखी। तो देखते हैं यार यहाँ पे है नहीं है। ओ भाई तो ये रही भाई लैम्बोर्गिनी अपनी खड़ी हुई है भाई प्योर गोल्ड की। तो अभी इसको लेके चलते हैं फटाफट से और भाई जिम्मी को देते हैं और देखते हैं भाई कि उसका रिएक्शन यहाँ पे कैसा रहने वाला है। और भाई सबसे और गाइस एक मज़े की बात ये है कि मतलब ये जो कार हमने भाई चोरी किया ना ये अभी तक तो मतलब क्या बोलते हैं ड्रग माफिया को मतलब आई थिंक से मतलब कुछ भी अंदाज़ा नहीं है भाई कि ये कार हमने उसके लिए क्यों चोरी मतलब उसकी कार हमने चोरी करी है और किसने की है क्या कैसा सीन है। तो ये कार यहाँ पे चढ़ नहीं पा रही है। ओके तो इधर से चढ़ गई है। तो भाई ये रही मतलब हमने कार ला के दे दिया और जिमी आई थिंक से थोड़ा उधर बिजी है। अभी इसको ले बुलाते हैं और भाई देखते हैं कि उसका रिएक्शन यहाँ पे कैसे रहने वाला है। और भाई ट्रैफिक भी यहाँ पे है और ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ओ गाइस भाई जिम्मी मतलब भाई इतना ज़्यादा मतलब ये कार देख के बौखला गया भाई, कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वो भाई। कब बाहर ही चला जाएगा क्या गेट के? ओ भाई साहब मतलब भाई इसको क्या हो गया, इसको आई थिंक से कुछ शौक भी लग गया है। तो भाई अभी इससे पूछते हैं मतलब कि भाई इसका रिएक्शन तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा मतलब भाई ये देखो कहाँ ही जा रहा है भाई इसको, अभी क्या ही हो गया भाई। तो उसको भी इधर बुलाते हैं यार फटाक से। ओके गाइस भाई अभी भाई जो अपना क्या बोलते हैं जिमी है भाई ये बता रहा है भाई कि इसको बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है और मतलब इसने मतलब सोचा नहीं था भाई कि इसकी बर्थडे पे इसको इतना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो कोई नहीं गाइस अभी बस आज की वीडियो में भी गाइस इतना ही एंड होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि गाइस मैं ऐसी अगर गेम प्ले वीडियो डालूंगा तो भाई आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो बस गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।